थाने के वार्षिक निरीक्षण के दौरान अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए डीआईजी ने दिए निर्देश। कोपागंज मऊ कोपागंज थाने का वार्षिक निरीक्षण सोमवार को डीआईजी अखिलेश कुमार द्वारा किया गया। निरीक्षण से पहले डीआईजी ने पुलिस जवानों के साथ सलामी ली और शस्त्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद डीआईजी ने खाने कार्यालय और सरकारी अभिलेखों के अलावा भोजनालय, पुलिस कर्मियों के बैरक, शौचालय, बाथरूम और आवासीय भवनों का निरीक्षण किया। इसके बाद डीआईजी ने क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ बैठक कर क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सहयोग और सुझाव की अपील की। गोष्ट के दौरान जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र कुमार गोयल ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों के जाम और पटरियों पर अतिक्रमण को लेकर डीआईजी को अवगत कराया। नगर क्षेत्र के व्यवसायी संतोष जायसवाल ने भी जाम को लेकर होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाया। डीआईजी ने कहा कि सड़क व पटरियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पंचायत प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इसके लिए आप सभी को सबसे पहले नगर पंचायत के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं, जिसके बाद पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। थाने के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक सीओ घोसी, उमा शंकर उत्तम सिंह, थाना प्रभारी अमित मिश्रा, एसआर राजनारायण पांडे समेत थाने के सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। कोपागंज में आज वार्षिक निरीक्षण था, इसमें निरीक्षण के साथ साथ जो यहाँ के सम्मानित नागरिक हैं उनके साथ भी बैठक की गई और इस बात पे चर्चा की गई कि ऐसे कौन से सुधार अपेक्षित हैं जो पुलिस को अपने हिसाब से करने चाहिए। उनके द्वारा एक सुझाव दिया गया और पुलिस के द्वारा भी इस पर सहमति बताई गई कि यहाँ जाम की शिकायत करते हुए बहुत है, उसके लिए नगर पंचायत द्वारा के सहयोग से वो अपनी दवाई का प्रस्ताव ला के भी वेंडिंग जोन और वेंडिंग जोन करा के फिर उस पर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जो सहमति बनी अभी थाने के जो अभिलेखों के रखाव है वो कुछ कोटि का है, साफ सफाई से लेकर बैरक की व्यवस्था और अन्य करने की व्यवस्था सब अच्छा है। कुल मिला के काम थाने का अच्छा है और जनता से संवाद भी अच्छा है, अपराध नहीं।